हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब इस लॉकडाउन पीरियड में सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और अपने प्रियजनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज कई दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सकी और इधर आंधी भी काफ़ी तेज चल रही है, बारिश भी आ रही है, जिससे कि प्लांट्स को कुछ नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों, आज मई माह में आपको अपने टेरेस का टूर करवाती हूँ। मैंने अप्रैल माह में भी आपको अपने टेरेस में दिखाया था कि जो सब्जियाँ मैंने लगाई हैं बेल वाली, उस समय वो बहुत छोटे छोटे थे, आज वो कितना ग्रो कर गई हैं और आंधी से कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी लौकी की बेल दिखा रही हूँ। यह तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाई है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। इसको मैंने 1.5 महीना पहले लगाया था, तो आंधी के कारण और अस्वस्थता के कारण मैं थोड़ी केयर नहीं कर पाई, तो जिससे कि थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। लेकिन इसमें फल बनने लगे हैं। ये देखिए, एक लौकी आ रही है और दूसरी जो है वो बन रही है। मेल फ्लावर तो बहुत आ रहे हैं। दूसरी ये मेरी करेले की बेल है। करेले की बेल बहुत अच्छी ग्रो कर रही है और इसमें करेले आने भी लगे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए और भी बहुत छोटे छोटे हैं, छिपे हुए हैं, वो दिख भी नहीं रहे हैं। उम्मीद है आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे। इधर देखिए ये, और बीच बीच में तो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छी ग्रो कर रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। ये इधर देखिए, और इस तरफ भी इसमें करेले लगे हुए हैं छोटे छोटे। अब आते हैं अपनी तुरई की बेल पर। ये मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखिए, आंधी और ओले पड़े थे 9 तारीख को। यहाँ 9 मई में बहुत ज़्यादा आंधी और ओले पड़े थे और मैं केयर भी नहीं कर पाई ठीक से। इसमें बहुत सारी तुरई आ गई थी, अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, कोशिश करूंगी ठीक करने की। ये देखिए, मेरी ये तुरई बिल्कुल ख़राब हो गई है, और भी बहुत सारी हैं। ये है, और कुछ तुरई तो इसमें लगी हुई है। देखिए, मैं ऊपर दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको दिख रही होंगी। ये है, ये तो हार्वेस्ट के लायक भी हो गई हैं, इनको अब मैं तोड़ लूँगी। 3-4 तुरई जो हैं वो आ गई हैं, लेकिन कुछ हद तक ये ख़राब हो गई है, देखती हूँ केयर करके। तो इधर चलिए, ये मेरा तुलसी का प्लांट है जो ठीक ठाक है। यहाँ एलोवेरा, शमी का प्लांट माना जाता है हिंदुओं में, और अधिकतर लोग इसको अपने घर में लगाते हैं और पूजा भी करते हैं। बूस्टन फर्न, ये भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, और ये मैरीगोल्ड, गेंदे के फ्लावर अभी तक चल रहे हैं, अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। मनी प्लांट, और ये केले का प्लांट मैंने सेव करके रखा हुआ है, सेव कर कर रखा हुआ है, देखो कब तक चलते हैं। 2 प्लांट हैं इसके। इधर अगेव, और ये एस्पागेरस ग्रास कहते हैं इसको, और ये बहुत अच्छी लगती है, लगी हुई घर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लगती है, इसको हमें ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये मैंने दोस्तों सनफ्लावर के सीड लगाए थे, तो कुछ आंधी का असर इस पर भी पड़ा है। 2 प्लांट मैंने सनफ्लावर के लगाए हुए हैं। अब इसमें बड्स बनने लगी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में देखिए बड्स बन रही हैं, वो कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावर आ जाएंगे। ये मेरा चाइनीज एवरग्रीन, इधर सेंसविरा स्नेक प्लांट और जर्नाडो, और ये रहा मेरा नागचंपा का प्लांट।
जो कि विंटर में बिल्कुल डॉर्मेंसी में चला गया था। मैंने आपको अप्रैल माह की वीडियो में भी दिखाया था, तो केवल स्टेम थी और दो चार इसमें लीव्स थी। अब इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, फ्लावर इसके गिर रहे हैं और ये देखिए इसकी बड्स बन रही हैं। अब इसमें फ्लावरिंग आ जाएंगी और खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब इधर देखिए, ये मेरा कोचिया, कोचिया भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इधर मैंने कुछ विंटर के फ्लावर रखे हुए हैं सीड कलेक्ट करने के लिए। अब इसमें फ्लावरिंग तो बहुत थोड़ी हो रही है, लेकिन सीड कलेक्ट करने के लिए रखे हुए हैं। और ये है स्वीट पोटैटो वाइन, जो कि मैंने घर पर ही स्वीट पोटैटो को पानी से ग्रो करके लगाया है। इधर ये विंटर के वो समर्स के सॉरी फ्लावर्स हैं, गोम्फ्रीना, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और बोट प्लांट, ये कोचिया, ये भी बहुत सुंदर लगता है। कोचिया के मैंने दो तीन प्लांट लिए हुए हैं। ये सब इधर पिनका, जिसको कि सदाबहार भी कहते हैं, ये मेरी हाइब्रिड वाली है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये देखिए एक रेड कलर है और एक डार्क पिंक, और ये देसी पिंक का देसी सदाबहार जिसमें पिंक और वाइट फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। और ये पर्पल हार्ट, ये मैंने इसमें लगाया हुआ है। इधर मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। एक कोचिया यह है, और यह गुलाबास, जिसको फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। इसके फ्लावर शाम 4 बजे ही खिलते हैं, इसीलिए इसका नाम फोर ओ क्लॉक भी है। यह भी मैंने सीड से ग्रो किया था। और इधर ये अपराजिता, ये भी सीड से ही मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से अपराजिता का एक नीचे भी रखा हुआ है। और दोस्तों, आजकल ये जो मई का महीना होता है, इसमें आप हल्दी और अदरक इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी कोशिश की है लगाने की, देखिए अब ये जर्मिनेट होने लगी है। एक इधर है, एक ये है। इस तरीके से मैंने 4-5 जगह लगाई थी, तो 3 जगह तो दिख रही है, एक इसमें भी दिखाई दे रही है। तो आप भी ज़रूर लगाइएगा अदरक और हल्दी। इसको तैयार होने में कम से कम 7 से 8 महीने लग जाते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करिए। एलोवेरा, इधर भिंडी का प्लांट लगाया हुआ है, ये बीन्स है, और एक भिंडी का मैंने इधर लगाया है। दोस्तों, पिछली बार मैंने स्टार्टिंग ही किया था, तब मैंने भिंडी के 1 या 2 प्लांट ही लगाए थे। लेकिन होता क्या है कि एक बड़े परिवार फैमिली के लिए 2-3 प्लांट से कुछ भी नहीं होता, तो इस बार मैंने भिंडी के अभी भी 6-7 प्लांट लगाए हुए हैं, जिसमें भिंडी अब आने लगी हैं। ये देखिए, ये भिंडी दिखाई दे रही हैं। और इधर ये मिंट पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसमें लगा है, मैंने 3 जगह ये लगाया हुआ है। तो ये तो मेरे टेरेस का एक तरफ का रहा, अब चलते हैं टेरेस के दूसरी तरफ। अब मैं टेरेस के दूसरी तरफ आ गई हूँ। मैं तुलसी के प्लांट से शुरू करूँगी। ये मेरा तुलसी का पवित्र प्लांट है, जो कि अच्छे से चल रहा है। 2 प्लांट हैं तुलसी के। और इधर मैंने समर के जो मेन फ्लावर होते हैं, जिसको कि पोर्चुलाका और पोर्सलिन, ये दोनों ही लगाए हुए हैं। ये पोर्चुला का, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, मेरे पास 3 कलर हैं। और ये पोर्सलिन, वैसे तो इसको 9 o'clock का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसके फ्लावर 9 बजे के करीब खिलते हैं और शाम तक रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और अभी सुबह का 7 बजे का समय है, तो इस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बस अब शुरू हो ही रही है। ये देखिए, इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं जब पूरा भर जाता है। इसमें फ्लावर शुरू हो गई है। नीचे मेरे गुलाब के प्लांट हैं, और ये मैरीगोल्ड के लगे हुए हैं, इसमें अभी चल रहा है।
और इधर भी देखिए मैंने भिंडी के दो प्लांट इधर लगाए हुए हैं, इसमें भी भिंडी दिखाई दे रही है, भिंडी लग गई हैं, इसमें आ गई हैं। और एक प्लांट भिंडी का ये है दोस्तों हिबिस्कस गुड़हल का, ड्रेसिना। और इधर मैंने बैंगन का लगाया हुआ है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और दूसरे प्लांट में बैंगन भी आ रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें भी मैंने हल्दी की गांठ लगाई थी, बड़ा आसान है इसको लगाना। देखिए अब इसमें भी जर्मिनेट हो रहे हैं, दो जगह इसमें दिख रहा है। और ये नारंगी और ये बीन्स। इधर मेरा बोगनविलिया का कलेक्शन है, इसमें मेरे पास तीन वैरायटी हैं जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखिए इसमें पिंक और वाइट फ्लावर, इसकी फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है। और इसमें पिंक और वाइट, लाइट पिंक, बहुत ही सुंदर लगता है। मेरा फेवरेट प्लांट है बोगनविलिया। और यहाँ फिर देखिए ये बैंगन का दूसरा प्लांट जिसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। और मैं आपको बैंगन भी दिखाती हूँ, ये देखिए बैंगन। उम्मीद है अब इसमें बैंगन जो है अच्छे लग जाएंगे। ये देखिए फ्लावरिंग तो काफ़ी सारी हो रही है। और इधर ये कुछ गर्मियों के प्लांट हैं, गजानिया, जो कि सूरज जैसे ही निकलता है तो इसके फ्लावर खिलने लगते हैं। ये देखिए इसमें अभी भी खिल रहे हैं, देखिए कब तक साथ देते हैं। और ये जो है इसको बास्केट प्लांट कहते हैं, वो देखने में बेहद खूबसूरत। इसमें नीचे से इस तरीके से ये ब्रांचेस निकलने लगती हैं जो कि लटकने लगती हैं। अब इसमें भी निकलने लगी हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। ये मैंने छोटा सा अपने किसी फ्रेंड से लिया था और दो जगह इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। दोस्तों ये रहा मेरा मई माह का टेरेस का टूर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हैप्पी गार्डनिंग।